शहर में बढ़ रहे कोविड के संक्रमितों को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने 40 और निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए अधिकृत किया है। इस संदर्भ में बुधवार की शाम को आदेश जारी हुए। यहां 1422 बेड आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। 48 घंटों में संबंधित अस्पतालों की तैयारियों के साथ मनपा में रिपोर्ट करने के निर्देश भी दिए गए। इसके पहले 62 निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए मनपा ने अधिकृत किया है, पर उपलब्धता सबसे पहले होनी चाहिए। नए 40 अस्पतालों के जोड़े जाने से शहर में कुल 102 अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए मनपा ने अधिकृत कर दिया। शुरुआती दौर में मेडिकल कॉलेज और मेयो अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। बाद में संक्रमित बढ़ने से निजी अस्पतालों को भी अनुमति दी गई है। अपर आयुक्त जलेश शर्मा ने बताया कि 62 में से 40 अस्पतालों में कोविड मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। शेष 22 अस्पतालों से चर्चा चल रही है, वे भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। कई अस्पतालों में तकनीकी व सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता है, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 40 और नए अस्पतालों को कोविड के लिए अधिकृत किया गया है। 48 घंटे में उन्हें मरीजों को भर्ती करने की तैयारी करनी होगी। भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी अस्पतालों को तत्काल देनी होगी। मनपा की तरफ से बुधवार को 40 अस्पतालों की सूची जारी कर उन्हें कोविड मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।